हेलो गाइस, आज मम्मी निमाड़ी क्षेत्र का बहुत ही अच्छा खाना है वो बना रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है आज स्पेशल। अभी बन रहा है दाल, बन रही है, ओवन रखा है तो बाटी बनेगी, ये आपको पता चल ही गया होगा। ये बघार काट लिया है, हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज। दाल को धो लिया है, अब ये दाल को हम डाल दे रहे हैं पानी में, कुकर के में। पानी में क्या बना रहे पहले? तीखी दाल बनाएंगे, उसमें भी डालेंगे कटी हरी मिर्ची, लहसुन। अब इसमें लहसुन डाल रहे, ये कच्ची, ये हरी मिर्ची डाल दी। अब इसमें इतने मेथी दाने डाल देंगे, मेथी दाने भी डाल दिए इसमें। अभी प्याज नहीं डालना इसमें, प्याज नहीं डालना, ये हींग ले लिए, इतनी हींग डाल देंगे बस। इसको मिला दिया है, ये हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी नमक डाल करके अब बढ़िया इसको लगा दिया जाएगा कुकर को, एक बार मिक्स कर देंगे तो फिर कुकर लगा देंगे। पहले फीकी दाल बनेगी, फिर चरखी बनेगी, फिर फ्राई की जाएगी। कुकर लगा दिया है, अब कितनी सीटी ले लें? तीन सीटी, तीन सीटी ले लेंगे। गाइस, दाल बाटी खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल बाटी, और मम्मी के हाथ की तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो गाइस, अब तीन सीटी के बाद इसको देखेंगे खोल करके, अब जब तक के बाटी का आटा मस लेंगे। गाइस, इसमें पहली सीटी आ गई है, हम ये बाटी बनाएंगे उसके लिए आटा निकाल ले रहे हैं, और यहाँ पे मीठा सोडा और अजवान और सौंफ रखी हुई है। ये मीठा सोडा है, मीठा सोडा, नमक और अजवाइन और सौंफ हम सब ये इसमें डाल देंगे आटे में। इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये सारी चीज़ें डालने से बाटी में। गाइस, इसमें थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे, इससे क्या होता है मम्मी, मोयन डालते हैं तो नरम बनती बाटी, इससे थोड़ी नरम बनती है बाटी। गाइस, तो हम इसे अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके टाइट, उसको अच्छा टाइट मसना है आटे को, एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसे कुछ देर फूलने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये मोटा रहता है इसलिए। तो इसको थोड़ा रेस्ट होने दिया था, गोल गोल बाटियां बना रही हैं, ये बना दी बाटी, ये देखो ये, और ये कुछ बन के रखा भी गई है, और इधर दाल भी रेडी हो गई है। अब इसको बस तड़का लगाना बाकी है, तड़का लगेगा तो वो भी हम दिखाएंगे, फीकी दाल बोलते हैं इसको। गाइस, अब हम ये ओवन में रखेंगे बाटी को सिकने के लिए। गरम कर लिया, ये देखिए आप, ओवन को पहले गरम कर दिया था, पहले थोड़ा गरम कर लिया ओवन, और फिर उसके बाद हम ये बाटी पूरी जमा देंगे उसके ऊपर। एमपी में जो है ये बाटी का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है लोगों को, मालवा की, हाँ मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, क्योंकि ये तो यहाँ पे मिजवानी जो की जाती है, कई जगह बाटी की ही की जाती है। यदि कोई नया मेहमान सदस्य घर में आता है तो सबसे पहले बाटी ही बनाते हैं भोजन में उनके लिए। तो हमने ऐसी पूरी बाटी जमा दी है इसमें, अब ये इसे सिकने देंगे मध्य आंच में। तो अब ये नहाने जा रहे हैं, इनकी नहाने जाने की तैयारी चालू हो रही है, और मम्मी खाना बना रही है। आज ये दाल बाटी बन रही है, तो बाटी सिक चुकी है। देखिए गाइस, अब ये घी निकाल लिया है, अब तो मेन चीज शुरू हुई है, देखिए पूरा भर के घी निकाला है। अब इसके आगे की प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको बाटी को चुपड़ना होता है। ये बाटियां कुछ सिक चुकी हैं हमारी, अब इनको घी में एकदम लत पत करेंगे, मम्मी करके दिखाएंगे, देखना पहले ऐसा कर लिए, गड्ढा कर लेना है, फोड़ लेना है, फिर इसको ऐसे घी में डाल दिए।
घी बिल्कुल एकदम इसको पिलाना है, और ये गरम गरम रहेंगी ना बाटी जब ही इसको करना है घी में, तो एकदम वो अच्छी तरीके से पी लेंगी। ये देखिए दूसरी डाली, अब थोड़ी देर उसमें रखना है ऊंधी, सीधी कर देना है उसको। ये देखिए आहा बहुत ही शानदार, यानी बस अब आज फेंक देना है बाटी को घी में, फेंक देना एकदम लत पत कर देना है, और डुबो देना है, डुबो देना है बिल्कुल बाटी को, तो यही तो स्वाद आएगा उसमें। आपने घी में कंजूसी कर दी कि वो बाटी का मजा ही नहीं है। और गाइस बाटी बन रही थी हरदा में, और भैया बाहर के लोगों को खुशबू आ गई है ना बाटी की, तो ये देखिए ये आ गए हैं टिमरनी से बाटी खाने, है ना, इनको बाटी पसंद है इसलिए बाटी खाने आ गए टिमरनी से। बन तो हरदा में रही थी मगर खुशबू टिमरनी तक चली गई, तो ये आ गए हैं खाने। चटोरे लोग नहीं जे, डली नहीं हुए चटोरी जे नहीं हो ना मैं। अच्छा गाइस बाटी मेरे को तो बहुत पसंद है, बाकी का नहीं पता, और गुड्डन को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, को भी बहुत पसंद है, और ये गुड्डन को भी पसंद है, हमें को भी पसंद है, बेनू को भी पसंद है, चरखी चीज बहुत ज्यादा खाती है ये, इसलिए इसको बाटी बहुत पसंद है चरखी दाल से। और बाटी ऐसा है कि बाटी को आप ना घर पे बनाएंगे तो ही ज्यादा अच्छी बनेगी, आप बाजार में सोचोगे या कहीं रेस्टोरेंट में सोचोगे खाने का तो वो आपको मजा ही नहीं आएगा, जो घर की बाटी में मजा आएगा ना वो आपको कहीं नहीं आने वाला। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी बनी है बाटी। तो हमारी बाटी जो है ना चुपड़ के मम्मी ने रख दी है, और इसमें बहुत घी लगा है मगर इन्हें पूरा सक कर लिया है, खींच लेती है पूरा अंदर तक, बिल्कुल घी भरा हुआ है, अब देख सकते हैं ये देखिए पूरी एकदम बाटी अंदर तक घी पिया हुआ है। अब दाल का हम करते हैं, दाल मम्मी फ्राई कर रही हैं, तो दाल का गाइस इसमें तेल डाल दिया है हमने कढ़िया में, मसाले में मिर्ची लेना है जितना आपको तीखा खाना हो, हम तो तीखी दाल खाते हैं तो मिर्ची हम ज़्यादा ले ली है लाल। उसके बाद हिसाब से स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, हो नमक डाल चुके थे हम पहले तीखी दाल में, तो अब हम थोड़ा इसमें कम डालेंगे नमक, हल्दी भी कम डालेंगे, हल्दी भी कम डालेंगे, हल्दी भी हमने डाल चुके हैं, हल्दी डाल हमारी ऐसी है। और इसमें क्या थोड़ा गर्म पानी डालना है, इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल कर लेंगे। कुछ लोग इसको घेटते भी हैं मगर हमको घेटी हुई ज्यादा पसंद नहीं आती, एकदम वो हो जाती है मिक्स, ऐसे आप कर भव्या के लिए निकाल दी जाती है। अब भव्या चरखी दाल नहीं खाता है तो भव्या के लिए हम फीकी दाल निकालेंगे, रोटी ये भव्य की हो गई है। पहले लहसुन डाली, लहसुन डाल दी है पहले मम्मी ने, मिर्ची राई जीरा भी डाल दिया है। उसके बाद एक चीज हम जो डालते हैं फ्लेवर अच्छा लाती है वो है कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता वो धो लिया है हमने, ये थोड़ा डाल करके दूर हो जाना चाहिए क्योंकि ये होता है, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इसको, कड़ी पत्ता डाल दिया है। मसाला डल चुका है इसमें, हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। अब इसमें दाल डाल देंगे, गाइस देखिए क्या तड़का लगाया मम्मी ने, ये पूरी दाल को हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी दाल तैयार हो गई, तड़के वाली दाल तैयार हो गई, और हमारे सब नाक मुंह एक हो गए हैं, बहुत ही यानी स्पाइसी बनी हुई है, और बहुत ही खतरनाक तरीके का फ्राई मारा मम्मी ने, अब इसको उबली तक रखना है। ये मम्मी का सीक्रेट मसाला बना हुआ है, ये देख सकते हैं गरम मसाला,
अब इसको इसमें डाल देंगे। ये जो मसाला है ना, ऐसा बना हुआ है गरम मसाले का, ये पूरा पाउडर बना हुआ है, सीक्रेट मसाला है ये मम्मी का। इसमें ना इतना प्यारा टेस्ट आता है, कोई भी चीज़ में आप डाल दो, सब्जी में, दाल में, कोई भी सब्जी आप बना रहे हो उसमें डाल दो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वो टेस्ट इतना अच्छा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है दाल का। इस मसाले का हम एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, कैसे बनाया हमने ये मसाला, मम्मी हमको बताएंगी। बहुत ही शानदार मसाला है ये। तो गाइस, मैंने फाइनली थाली लगा करके लेकर के आ गया हूँ, और दाल बाटी अब मेरे सामने रखी हुई है, मैं इसे ज़रा वेट नहीं करते बन रहा है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा और खाने का तरीका, क्योंकि बहुत लोगों को खाना नहीं आता है, चम्मच से खाते हैं, मैं सही तरीका आपको बताऊंगा कि दाल बाटी कैसे खाई जाती है। ये देखिए गाइस, ये बाटी रखी हुई है, मैं दो बाटी लेके आया हूँ, दाल लेके आया हूँ, तो थोड़ी सी मैं रूखी भी खा के देखता हूँ। बढ़िया मम्मी, मज़ेदार, एक नंबर। ये लोग भी खा रहे हैं, तुम भी अपना व्यू बता सकते हो। एक नंबर बनी है, हम तो रहा नहीं जा रहा था भैया, तो हमने तो परस लिया और खाना चालू किया। ये पहले ही टेस्ट कर लिया था इन लोगों ने। अब मैं आपको खाने का तरीका सिखाता हूँ कि दाल बाटी कैसी खाई जाती है। दाल बाटी जो है ना, बाटी को ऐसे इसमें ऐसे चूर देते हैं एकदम बिल्कुल हमारा दाल में ऐसी चूर के पूरी फिर खाई जाती है। लगा लगा के नहीं खाते हैं इसको, बढ़िया चूर लेंगे और फिर खाएंगे। दाल भी बढ़िया गर्म हो रही है एकदम मज़ेदार वाली। तो गाइस, बहुत शानदार बनी है मम्मी, थैंक यू, बहुत ही अच्छी बनी है दाल बाटी, एकदम मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। और ठंड में स्पेशली दाल बाटी तो बनती ही है, मगर साथ में भरता भी बनता है, तो दाल बाटी भरता खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसका वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे, बस थोड़ी सी ठंड आ जाए, फिर आपको एक से एक डिश आपको हम खिलाने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को।